सीपीआईएम महंगाई, बेरोजगारी व गरीबी के खिलाफ 14 सितंबर से 24 सितंबर तक विशेष अभियान चलाएगी। सिरमौर जिला मुख्यालय में आज पार्टी की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें सीपीआईएम द्वारा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। मीडिया से बात करते हुए सीपीआईएम के प्रदेश सचिव ओमकार शाद ने बताया कि प्रदेश में नव उदारवादी नीतियों के चलते महंगाई, बेरोजगारी व गरीबी पर लगातार बढ़ रही है, जिसके खिलाफ सीपीआईएम एक विशेष अभियान की शुरुआत कर रही है। उन्होंने कहा कि बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के मकसद से नव उदारवादी नीतियां चलाई जा रही है, जिसके चलते देश में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं और आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश में जिला स्तर पर धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। एक तो बात ये है कि आने वाले समय में हमारी केंद्रीय कमेटी और राज्य कमेटी ने 14 से 24 सितंबर को एक पूरे देश के अंदर अभियान चला रहे हैं। ये अभियान के मुद्दे हैं मुख्यतः कि आज जो हमारे देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, जो हमारे देश के लोगों को सेवाएं मिलती हैं वो सेवाएं भी ख़त्म हो रही है, इसके खिलाफ जो हमारी पार्टी है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर भी, सिरमौर जिला के अंदर भी एक अभियान चलाएगी। और जो हमारे देश के अंदर केंद्र की भाजपा सरकार है और प्रदेश के अंदर भी जो भाजपा की सरकार है, ये सरकारें दोनों हमारे देश के अंदर जो कॉरपोरेट है, जो बड़े पूंजीपति है, उनके हित में जो नव उदारवाद की नीतियां लागू कर रही हैं, और इन नीतियों की वजह से आज हमारे देश के अंदर महंगाई पिछले 24 वर्षों में सबसे ज़्यादा है, चाहे वो थोक महंगाई दर है, चाहे वो खुदरा महंगाई दर है। इसके खिलाफ जो जीवन यापन पर हमला है, ये हमारी पार्टी ये 14 से 24 सितंबर को पूरे प्रदेश में अभियान चलाएगी। सिरमौर जिला में भी हम चलाएंगे और सिरमौर के राजधानी नान के अंदर जिला में हम एक बड़ी रैली का आयोजन जो है वो 24 तारीख को यहाँ पर करेंगे। दूसरा है कि हिमाचल प्रदेश में अभी नवंबर दिसंबर में चुनाव होने हैं और ये चुनावी वर्ष है हिमाचल प्रदेश में। सारी राजनीतिक गतिविधियां जो है चुनाव के ऊपर है, तो हमारी पार्टी भी ये हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ेगी और यहाँ भी आज हम सिरमौर ज़िले में तय करेंगे कि हम कितनी सीटें लड़ेंगे। और उसमें हमारी मुख्य दिशा यही रहेगी, ये जो भाजपा की जयराम सरकार है इसको जो है सत्ता से बाहर करना है और हिमाचल प्रदेश में जो धर्मनिरपेक्ष सरकार के लिए काम करना है। और हमारी पार्टी की जो विधानसभा के अंदर उपस्थिति है उसको और मजबूत करना है। अब